पीएम मोदी ने जगदलपुर से विरोधियों पर साधा निशाना, कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ में बच्चियों से दुराचार होने पर बंद रहती है राहुल गांधी की जुबान, 26,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम गहलोत की प्रदेश को बड़ी सौगात, 17.50 करोड़ के विकास योजनाओं का किया लोकार्पण, मोबाइल कैंसर वैन का भी किया लोकार्पण। राजस्थान में आचार महिला के बाद भी जारी रहेगी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची, 5 अक्टूबर को होगी कोर कमेटी की मीटिंग, सीएम गहलोत रहेंगे मौजूद, जल्द ही इलेक्शन कमेटी का भी मंथन। टिकट सूची को लेकर सह प्रभारी अमृता धवन का बड़ा बयान, सीईसी की बैठक के बाद फाइनल होगी लिस्ट, सर्वे के आधार पर होगा टिकटों का वितरण, परफॉर्मेंस भी तय करेगा नाम और मापदंड। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान में बीजेपी का दौड़ेगा आकांक्षा रथ, कल जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी, गांव गांव ढाणी ढाणी में होगी छोटी छोटी सभा, संकल्प पत्र को लेकर लेंगे सुझाव। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार, अब कभी भी हो सकती है जारी, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं उम्मीदवार, तीनों केंद्रीय मंत्री भी लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, जयपुर भी थोड़ा सा हिला लेकिन रहा केंद्र, नेपाल रहा केंद्र, 6.2 रही भूकंप की तीव्रता। सोशल मीडिया पर भी योगी सुपरहिट, इंस्टाग्राम पर सीएम योगी का क्रेज, इंस्टाग्राम पर योगी के 7 मिलियन फॉलोअर्स, राजनेताओं में तीसरे सबसे अधिक फॉलोअर वाले नेता बने योगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आपने जारी की दूसरी सूची, छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची तो मध्य प्रदेश में 29 उम्मीदवारों की सूची जारी। अजय माकन ने ग्रहण किया पदभार, एआईसीसी के बतौर कोषाध्यक्ष ग्रहण किया पदभार, कहा कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर, शैक्षणिक कार्यों का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास, जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा, जैसलमेर में तनोट माता के किए दर्शन, दर्शन के बाद बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बालोतरा दौरा, श्री रानी बटियाणी मंदिर में किए दर्शन पूजा, जसोल मां के दरबार में राजे ने लगाई धोख। बांसवाड़ा में पशु चिकित्सा कार्मिकों ने सीएम गहलोत और पशुपालन मंत्री का जताया आभार, लंबित मांगे मानने पर दिया धन्यवाद। जैसलमेर एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी आग, शिव मार्ग स्थित बैंक में एसी में लगी आग, बैंक कर्मियों ने समय रहते आग पर पाया काबू। चोमुगी सामोद थाना पुलिस को मिली सफलता, एसटीएससी और मारपीट प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार, करीब 20 दिन पहले मकान निर्माण कार्य के दौरान हुआ था विवाद। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित, धौलपुर जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की शिरकत, कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारी से मांगे सुझाव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का रेनवाल दौरा, भाजपाइयों ने मंत्री मेघवाल का किया स्वागत, नवनिर्मित ओपीडी भवन का किया लोकार्पण। झालावाड़ में पीआरओ संतोष कुमार मीणा ने किया औचक निरीक्षण, पिढ़ावा में क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कोटपुतली के विराटनगर में स्कूटी की मांग को लेकर दिव्यांग चढ़ा पानी की टंकी पर, पुलिस प्रशासन ने की समझाइश, नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उदयपुर में शालीमार ट्रेन की चपेट में आई 9 भैंसे, 5 भैंसों की हुई मौत, सूचना रेलवे ट्रैक की घटना। रियल कबड्डी सीजन 3 का राजधानी जयपुर में रंगारंग समागम, फाइनल में जयपुर जैगुआर ने सूरमा को हराकर जीता खिताब, श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा रहे मौजूद। पोखरण दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का गोमट गांव में किया लोकार्पण, कृषि महाविद्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर, जिला परिवहन कार्यालय सहित करोड़ों रुपए के कार्यों का किया शिलान्यास।
प्रतापगढ़ जिले में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने पुलिस थाने की दीवार से सटे मकान को बनाया निशाना। 300 ग्राम के चांदी के पायजेब और एक सोने की अंगूठी लेकर फरार। डूंगरपुर की रामसागड़ा पुलिस की कार्रवाई, घोड़ाघाट के पास पिकअप से 60,000 कीमत की शराब की जब्त। तस्कर आलू प्याज की बोरियों के नीचे शराब की पेटियां छुपाकर ले जा रहे थे गुजरात। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पाक विस्थापितों को नागरिकता के साथ मिली पहचान, जिला कलेक्टर ने सौंपा प्रमाण पत्र, वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। धौलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय मासूम के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में सुनाई सजा, आरोपी 5 वर्ष से कठोर कारावास की सुनाई सजा, 30,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। दौसा में 11वीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला, मारपीट के बाद छात्र हुआ बेहोश, स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, समझाइश पब्लिक स्कूल का मामला, लोगों में आक्रोश। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग, एक दर्जन से अधिक लोगों ने किया हमला, 2 घायल। फतेहपुर में नाबालिग दुष्कर्म का शव कुएं में फेंकने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को किया निरुद्ध। मामले को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी, 50 लाख मुआवजा व परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग। सिरोही के स्वरूपगंज पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान लग्जरी कार के जिंदा कारतूस बरामद, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए, 2 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर के महाजन में ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत, महाजन अर्जुनसर के बीच हुआ हादसा। सामराज प्रकरण में सीबीआई जांच का मामला, नागौर के खीमसर में एडीएम द्वारा बाहर आकर ज्ञापन लेने से नाराज हुए ग्रामीण, एडीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। झालावाड़ के डग में जर्जर सड़कों को लेकर किसान संघ का प्रदर्शन, किसान नेता व्यास ने गड्ढे में लेट कर किया प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना की कार्रवाई, बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को किया गिरफ्तार, लोगों ने जमकर की पिटाई। झुंझुनू के बिसाऊ में जरूरतमंद गरीबों को नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ, आक्रोशित महिलाओं ने किया नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन, 5 महीने बाद 12 लाभार्थियों को मिली किस्त। जोधपुर के बालेसर में 67वीं राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य उमेद सिंह राठौड़ रहे। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव के निवास पर जहरीला सांप घूमने से मचा हड़कंप, स्नेक कैचर की कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जैसलमेर दौरा, भदरिया में तकनीकी कारणों से हेलीकॉप्टर उड़ान में हुआ लेट, गर्मी में पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बिताए कुछ पल। डीडवाना कलेक्टर सीताराम जाट ने शहीद आश्रितों को दी नियुक्तियां, लाडनू के शहीद अजीम खान के पोत्र आरिफ खान को दी नियुक्ति, शहीद के नाम से स्कूल का भी किया नामकरण। टोंक पुलिस अधीक्षक राजश्री राज के निर्देशन पर देह व्यापार को लेकर कार्रवाई, ग्राम सूरत रामगढ़ सूरत रामपुरा मोड़ के सामने स्थित ढाबे पर दी दबिश, 3 महिला सहित 4 गिरफ्तार। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में वर्किंग वुमेन्स के लिए क्रेच की शुरुआत, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे की देखभाल, पन्नाधाय के नाम से किया सभागार का नामकरण। सवाई माधोपुर में टाइगर हमले में चरवाहे की मौत, मामले से बनी सहमति, मुआवजे की मांगों पर बनी सहमति, जमीन नौकरी घर और 15 लाख मुआवजे देगी सरकार। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस की कार्रवाई का मामला, गिरफ्तार एसआई के घर से मिला एक और हाथी दांत, 3 करोड़ रुपए के 2 दांत अब तक हुए बरामद। झालावाड़ के खानपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, हमले में 6 लोग हुए घायल, गंभीर घायल 4 महिला और 2 पुरुष को खानपुर सीएचसी में कराया भर्ती। टोंक में अवैध मादक तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए कीमत की 50.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद, 1 गिरफ्तार।
अजमेर में प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार, युवती ने धर्म बदलकर की शादी, एसपी और कलेक्टर से लगाई गुहार। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, चोरी के मोबाइल खरीदने वाला दुकानदार गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी के 3 मोबाइल किए जब्त। अलवर के वार्ड नंबर 29 में पेयजल समस्या से आम जन परेशान, मंत्री जूली के कार्यालय पर पहुंची महिलाएं, पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। खाजूवाला को वापस बीकानेर में करने के अनुमान को लेकर भारी विरोध, कैबिनेट मंत्री के बार बार बदलते बयान से किसान नाराज हैं, किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइकों से किया चक्का जाम। करौली के मंडरायल में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। जोधपुर पूर्व सांसद बद्रीराम झाखड़ आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मिलने पहुंचे सर्किट हाउस, 20 मिनट हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में बीजेपी नेताओं ने किया श्रमदान, इसी अभियान के तहत आमेर में बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया श्रमदान, स्वच्छ बनाए रखने का लिया संकल्प। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का भीम माल दौरा, जगह जगह हुआ स्वागत, आजाद से मिलने के लिए लगी लोगों की भीड़। भारतीय किसान संघ जोधपुर प्रांत की ओर से श्री डूंगरपुर से किसान महासम्मेलन का आयोजन, किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर किसानों को किया जाएगा प्रशिक्षित, लगभग 25,000 किसानों के भाग लेने की संभावना। सिकराय में 67वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स तृतीय चरण का शुभारंभ, मानपुर सरपंच ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ, 14 वर्षीय प्रतियोगिता में 220 छात्र छात्रा ने लिया भाग। ब्यावर में शिक्षा विभाग के नवाचार ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी, टीचर्स के बाद विद्यार्थियों की हाजिरी में लग रहा समय, कहा नेटवर्क प्रॉब्लम तो कहीं हैंग हो रहा है ऐप, प्रभावित हो रही पढ़ाई। टोंग सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अधिकारियों को लगाई फटकार, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर लगाई फटकार, पानी की समस्या को लेकर मीटिंग में पहुंची महिलाएं। मथुरा में कैट एक्सपोजर विजिट का आयोजन, बकरी पालन में उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देना उद्देश्य, अजमेर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने 25 महिला किसान को भेजा मथुरा। नीम का थाना में व्यापारी ने रंगदारी मांगने का मामला, व्यापारिक संगठनों ने एसपी अनिल बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा है, रंगदारी मांगने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की है। भीलवाड़ा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, रेलवे ट्रैक के पास नाले में मिला 3-4 दिन पुराना शव, मृतक की शिनाख्त कर मॉर्चरी में रखवाया शव। ब्यावर में महिला टीचर के अपहरण का मामला, स्कूटी से स्कूल जाते समय बीच रास्ते पर हुआ अपहरण, पूर्व पति पर अपहरण करने का संदेह, रिश्तेदार धर्माराम जाट ने दर्ज कराई रिपोर्ट। सांचौर में निजी स्कूल की बस पलटने से हुआ हादसा, हादसे में करीब 21 बच्चे हुए घायल, बस में सवार थे करीब 50 स्टूडेंट्स। माउंट आबू में पर्यटकों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, कार में सवार सभी पर्यटक सुरक्षित, वाहन चालक घायल, बंदरों को बचाने के चलते हुआ हादसा। टोंक के बाड़े में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों रुपए का चारा जलकर रहा, ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए गांव वाले और आग पर पाया काबू। नागौर में डीएससी टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जुआ खेलते पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 91,000 रुपए और 2 कार की जब्त। बजरी माफिया के सामने टोंक पुलिस लाचार, एनएच के अधिकारी ने दिशा की मीटिंग में बताई हकीकत, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात। टोंक के बनेडा में एटीएम बंद होने से आमजन परेशान है, 6 महीने से बंद पड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम, ग्राहकों को भटकना पड़ रहा है दर दर, बैंक प्रबंधक नहीं ले रहे सुध। भरतपुर के बैर में बाइक चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक की बरामद, जयपुर के प्रताप नगर से चोरी हुई थी बाइक। कोटा में कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की बैठक, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य राहुल महाजन ने ली बैठक। करौली कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, आटा फैक्ट्री में चोरी के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, चुराई गई मोटर और 12 किलो तांबे की तार भी बरामद की गई। झुंझुनू के लखीमपुर खीरी मामले में मनाया ब्लैक डे, संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया काला दिवस,
कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुतले का किया दहन। कोटा के कुमारी थाना इलाके में धारदार हथियार से युवक पर हमला। करीब एक दर्जन बदमाशों ने किया हमला। युवक हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर नगर निगम का एक्शन। नगली सर्किल से लेकर जेल सर्किल तक स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अजमेर के पिसांगण में दो अलग अलग मामलों में दो लोगों ने गटका कीटनाशक। 63 वर्षीय बुजुर्ग 22 वर्षीय युवक ने गटका कीटनाशक। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर किया रेफर। दिबोल ज्वेलरी कन्फेडरेशन सिपजो की वार्षिक कांग्रेस 2023 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डोमिन कॉडी ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। भारत में पहली बार हो रहा सिपजो की वार्षिक कांग्रेस का आयोजन। सैनी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रहे गुलाब गहलोत की तृतीय पुण्यतिथि। कलेक्टर ने किया पीबीएम अस्पताल के बी ब्लॉक के प्रतीक्षालय का उद्घाटन। राजनीति सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने दी श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनावों को लेकर एसपी का झुंझुनू दौरा। एसपी ने किया हरियाणा बॉर्डर इलाकों का दौरा। पुलिस जवानों को दिए सख्ती बरतने के निर्देश। झुंझुनू के नवलगढ़ मुक्तिधाम में मिला अधजला शव। सुबह सफाई के लिए पहुंचे लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। शव जलाने को लेकर लोगों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। धौलपुर के बाड़ी नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार भाई बहन घायल। महिला के सर पर लगी गंभीर चोट। जिला अस्पताल किया रेफर। चाकसू में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर नाले में फंसी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एयरबैग खुलने से चालक और एक अन्य की जान बची। बीकानेर की पांचू पुलिस और डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट किया बरामद। एक को किया गिरफ्तार। 2 हुए मौके से फरार। बीकानेर के रंजीपुरा में अवैध शराब पर रंजीतपुरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पिकअप और कार में 74 कार्टन शराब पकड़ी। दोनों वाहनों सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाली के वाली में 14 किलो 750 ग्राम अफीम जब्ती का मामला। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अफीम तस्कर की अपील को किया खारिज। 1 साल की सजा का सुनाया फैसला। बूंदी नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी। महेश नगर सालाब के पाल पर गंदगी का अंबार। कचरे से पाउच खा रही है गौ माता। स्वच्छता मिशन की नगर पालिका उड़ा रहा धज्जियां। झालावाड़ के खानपुर में अवैध शराब के परिवहन करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5-5 लीटर अवैध शराब बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। झालावाड़ विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस हुई चौक चाबंद। खानपुर सर्कल थाना क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। आमजन से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पाली के बाली में 3 माह बाद शुरू हुई कुंभलगढ़ में सफारी। अभरण्य की सादड़ी और देसूरी रेंज में शुरू हुई सफारी। सफारी के लिए करीब 20 वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन।